सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी 5 आदमी तुम्हारे चेहरे की, तुम्हारी सुंदरता की तारीफ कर जाए और एक आदमी आ गए बेकार लग रहा, तो तुम्हें सबसे बेकार वही आदमी लगेगा, जबकि हो सकता है बेचारा सही बोल रहा हो, ख्याल में आया कि नहीं आया। लेकिन हम इतने मूर्खतापूर्ण जीवन में हैं मिथ्या दर्शन के कारण कि हमें झूठी प्रशंसाएं अच्छी लगती हैं और सच्ची निंदा बुरी लगती है, जबकि प्रशंसाएं अधिकतर झूठी होती हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया कि क्यों, कि वो आदमी जबरदस्ती करता है अंदर से नहीं करता। इसलिए अपन किसी व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करते हो तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो व्यक्ति तुम्हारी ज्यादा प्रशंसा करता हो उससे सावधान रहना। कि क्यों रहना, कि अगर कल तुमसे कोई गड़बड़ हो गई तो सबसे ज्यादा फिर निंदा भी यही करेगा। ये मनोविज्ञान है। राजनीति में एक मंत्र है कि वहां कोई पक्का मित्र नहीं होता और वहां कोई पक्का शत्रु नहीं होता। कब वहां मित्र शत्रु बनेगा, कब शत्रु मित्र बनेगा, इसीलिए अपने मित्र को वो बातें मत बताओ जो तुम एक शत्रु को बताना पसंद नहीं करते। कि क्यों, कि ये राजनीति है। अगर तुमने से अपना भेद खोल दिया और कल ये तुम्हारा शत्रु बन गया तो ये मीडिया में लेके जाएगा तुम्हारी फाइल। कल में आया कि नहीं आया, ऐसे ही होता है ना। क्यों, ऐसे लोग में देखो अपन साधुओं की इतनी वो करते हैं ना, साधु के प्रति बड़ा समाज मरी जाती है, साधु करके ना और बड़ी वो करती, और उस जरा सा उस साधु का अवगुण पता चल जाए तो वो ही जो सबसे आगे आगे होता था वो ही माइक लेके ढिडोरा पीटता है। क्यों, अरे इसको मैंने इतने दिन नमस्कार किया, उसको भाई नमस्कार करना किसी को छोटी मोटी बात है। है हमारे गांव में घटना घटी, हमारे गांव में घटना घटी, हमारे यहाँ एक महाराज बन गए, साधु बन गए। अब साधु बन गए तो भाई बढ़िया महाराज हो गए, और महाराज हो गए तो भाई गांव वाले तो भैया वहाँ तो छोटे गांव में क्या होता है, पर भेद नहीं होता, हमारे गांव का साधु भी तो हमारा साधु, पूरा गांव चाहे हिंदू चाहे सब लोग साधु जी से मिलने सब नमस्कार करें। अब ये 2-3 बार निकले भी वहाँ से बिहार भी है तो पूरा गाँव का गाँव दर्शन करने गया, एक बार गाँव में भी आया तो पूरे गाँव के लोग इकट्ठे आहार हो रहे, तो बहुत बढ़िया भैया खूब किया लोगों ने। अब बाद में उनने साधुपना छोड़ दिया, ख्याल में है ना, साधुपना छोड़ दिया, उसे नहीं जमी बात, भाई छोड़ दिया उसने जो भी है। तो जब मैं गांव गया उसके साधुपना छोड़ने के बाद, तो हम गांव में 2 ही आदमी हैं जो गांव से बाहर निकले थे इस रूप में, कि वो महाराज के रूप में और मैं पंडित विद्वान के रूप। तो मैं गया तो हम चूंकि सोनगढ़ी के नाम से जाने जाते हैं तो वो जानते कि जे तो महाराजों की उसमें है ही नहीं, अरे तुम लोग सही कहते हो, हम जानते बहुत क्या हो गया। अरे वो देखो तुम्हें पता नहीं उसके बारे में, हाँ तो ठीक है अरे छोड़ दिया, अरे हमने 10 साल नमस्कार करा। अरे तो तू अपना नमस्कार वापस ले ले भाई। लेकिन वो अंदर मनोवैज्ञानिक जो अंदर तत्व चुके हैं, हमने किसी व्यक्ति को नमस्कार किया है तो बहुत अंदर तकलीफ में जाके करते हैं, अपने ईगो को नीचे रखना पड़ता है ना। आप एक बात मेरे पैर छोड़ ऐसे छूलोगे क्या, अगर आप अपने को छोटा करके तो मेरे पैर छूओगे और मेरे को बड़ा मार के छूओगे, तो अंदर कहीं ना कहीं श्री गुरु कहते हैं मिथ्या दृष्टि को अपने अहंकार को नीचे करके किसी के सामने झुकना वास्तव में पसंद नहीं है, वो मजबूरी में झुकता है। गरीब आदमी अमीर आदमी के पास कब झुकना चाहता है बताओ, लेकिन अब अमीर आदमी के पैर छूले को छूले तो छू लेता, लेकिन अगर अमीर आदमी को जूते मारने का मौका मिल जाए तो सबसे पहले वो ही मारेगा। पकड़ में आया कि नहीं आया। तो अब अपन वो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो साधुओं को नमस्कार करता है क्योंकि अपने साधु हैं, अंदर तो वास्तव में उसको पता तो कुछ है नहीं, और उस साधु की जरा सी कमी दिख जाए तो वो आदि मेरे से बोला मैंने 10 साल नमस्कार किया है, अरे मैंने उसके पैर छुए। तो मैंने कहा साधु के पैर छुए भाई, उसके थोड़े छुए, इतने क्यों क्रोधित हो रहे हैं। मैंने खुद इतना क्रोधित हो रहा था कि अगर वो मिल जाए तो उसे मारे पकड़ के, समझ में आया ना। तो मैंने समझाया कि भैया तुम क्या कर, अरे तुम ज्यादा अपनी पंडित अपने पास रखो, समझ में आया ना, मेरा तो बस चले तो पकड़ के मारो भैया होती है प्रसाद से पीड़ित। मैंने कहा हे भगवान जगत के जीव कैसे, ख्याल में ना। और सबसे पहले अभी भी कोई साधु आया तो लोट मारता है,
खेल में है ना, उसको मारने को तैयार है, हमारे धर्म की बदनामी करा दी, समझा। पर अभी दूसरा कोई साधु फिर मैं लगू लोट सबसे आगे मारता है, सबसे पहले आगे खड़ा झंडा लेके होता है, समझ में आया। हम महाराज की जय, बोलो आचार संघ की जय, बोलो ये, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है, खेल में है कि नहीं है। ऐसे कैसा है तो देखो, ऐसे जीव जो है ज्यादा प्रशंसा करें तो श्री गुरु कहते सावधान हो जाओ, और सुनो उससे भी सावधान हो जाओ जो तुम्हारे सामने दूसरे की बहुत ज्यादा निंदा करे, कि क्योंकि ये निंदा वाला है, अगर इसको जरा सी मेरी कोई बात पता चलेगी तो ये सारे शहर में फैलाएगा। इसलिए भैया ना काहू की दोस्ती और ना काहू से बैर, कोई दम नहीं संसारी जीवों से उलझने में। तो देखो प्रशंसा और ये निंदा, ये मिथ्या दृष्टि जीव को हमेशा परेशान करती है, क्योंकि प्रशंसा होती है तो प्रसन्न होता है और निंदा होती है तो दुखी होता है। और सम्यक दृष्टि जीव को प्रशंसा हो तो भी अंदर भेद ज्ञान चलता है और निंदा हो तो भी अंदर भेद ज्ञान चलता है, इसलिए सम्यक दृष्टि दोनों अवस्थाओं में सुखी देता है, और मिथ्या दृष्टि चाहे जैसी अवस्था हो सब जगह आकुलता का ही वेदन करता है।